आप सबको मेरा नमस्कार। आज 19 तारीख है और 23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना 7वां बजट प्रस्तुत करेंगी। और जैसा कि अमूमन होता है, इस बजट को बनाने से पहले वह उद्योगपतियों से, इंडस्ट्रियल लॉबीज से, कुछ किसानों के संगठनों से और अन्य ऐसे तमाम इकोनॉमिस्ट से, बैंकर से मिलकर उन्होंने विचार विमर्श किया है। लेकिन क्या वो इस देश के आम आदमी से मिली हैं? क्या वो उन परिवारों से मिली हैं, आधे इस देश के लगभग वो परिवार जो दिन की 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं? क्या वो उन महिलाओं से मिली हैं जो महंगाई का सबसे ज्यादा दंश झेल रही हैं? क्या वो उन किसानों से मिली हैं जो अपनी उपज का सही दाम मिल जाए इसके लिए संघर्षरत हैं? क्या वो इन युवाओं से मिली हैं जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, जो पेपर लीक होने पर प्रताड़ित हो रहे हैं? सवाल और लबोलबाव एक है कि क्या वो असल हिंदुस्तान से मिली हैं? और यह स्पष्ट है कि वो उनसे नहीं मिली हैं। और यह भी स्पष्ट है कि बजट हर बार की तरह चंद पूंजीपतियों को और अमीर बनाने के लिए और मोनोपोलीज क्रिएट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो क्योंकि वो 60-70-75% इस देश से नहीं मिली हैं और इन्हीं लोगों की समस्याओं का समाधान करना बजट का काम होता है, तो कुछ असलियतें हैं जिनसे मोदी सरकार को, जिनसे वित्त मंत्री को अवगत करा देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा वाक्य है, एक छोटा सा असलियत है इस देश की, जो हर कोने की असलियत है, जो बयां करती है, उसी को कहकर शुरू करती हूं। मार्च 2024 उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले किसान पुष्पेंद्र, छोटा सा उनका खेत था जो अमूमन किसानों का होता है, वहां पर मटर और गेहूं लगाते थे। हर किसान की तरह लगातार वो भी नुकसान झेल रहे थे और हर किसान की तरह उनकी आमदनी घट रही थी, उनका खर्चा बढ़ रहा था, क्योंकि खेती के उपक्रम पर जीएसटी है, डीजल महंगा है, खाद महंगी है, कीटनाशक महंगा है। तो उनके ऊपर करीब 1,04,000 का लोन हो गया। वो ये ऋण चुका नहीं पाए और उन्होंने अंत में थक हार कर आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। फसल बर्बाद हो गई, मौसम खराब हुआ, ऋण बहुत था सर पे 1,04,000 का। वो पूंजीपति तो थे नहीं जिनका 16 लाख करोड़ माफ हो जाता, तो उन्होंने थक हार करके आत्महत्या कर ली। लेकिन इनके बारे में शायद वित्त मंत्री को, इनके बारे में शायद मोदी जी को, इनके बारे में सरकार को शायद पता ही नहीं है, तो बजट इनके लिए बनेगा ही नहीं। इस देश के 48% परिवार कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये लोकल सर्कल्स का आंकड़ा है, व्यापक सर्वे उन्होंने किया है। आय पहले की अपेक्षा में कम हुई है, लोग बचत का सहारा, जो पहले की बचत थी उसका सहारा लेके जीवन यापन कर रहे हैं, खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा। और आज देश की हालत आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। रोटी महंगी है, कपड़ा महंगा है, शिक्षा महंगी है, बिजली महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, ये खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं और विवश है परिवार अपनी भविष्य की जमा पूंजी को खर्चने के लिए। तो बजट आने के जस्ट पहले, और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप लोगों से अनुरोध है कि यह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि समझना जरूरी है कि बजट के जस्ट पहले देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। और शुरुआत हम उस आपदा से करते हैं जिससे कि यह देश जूझ रहा है, और वो है बेरोजगारी। गुजरात की टूटती हुई रेलिंग और मुंबई में कम पैसा देने वाली एविएशन के लोडिंग सेक्टर की नौकरियां
और वहां पर आई लाखों की भीड़ इस सरकार की फिजूल की दलीलों का पर्दाफाश करती है। भयावह बेरोजगारी से हमारा देश जूझ रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, पहली वाली स्लाइड पे जाइए। आर्थिक कुप्रबंधन, नोटबंदी, आधे अधूरे जीएसटी और अकुशल कोविड प्रबंधन के चलते इस इकोनॉमी को 11.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 1.5 करोड़ से ऊपर नौकरियां नष्ट हो गईं। मोदी जी के कार्यकाल में यह स्लाइड जरूर देखिएगा, करीब करीब 3 लाख केंद्रीय पीएसयूज की सरकारी नौकरियां नष्ट हुई हैं, जो संविदा पर काम करते थे। अगली स्लाइड प्लीज। जो संविदा पर काम करते थे उनकी संख्या 2013 में 19% थी, वो 2022 में जो लास्ट ऑफिशियल आंकड़ा है बढ़ के 43% हो गई। ये आपदा है हमारे वक्त की, लेकिन अब मोदी जी इतनी लंबी फेंक रहे हैं कि आप लपेट ही नहीं सकते हैं। उन्होंने 8 करोड़ रोजगार दे दिए। किसको दिए, कहां दिए, कहां है ये नौकरियां, क्यों इतना छुपाकर, क्यों इतना ढककर दी गई, किसी को पता ही ना चला, ना नौकरी करने वाले को पता चल रहा है, ना देने वाले को पता चल रहा है। इस देश में एक और बहुत बड़ी आपदा है और वो है आर्थिक असमानता। आज हमारे देश में आर्थिक असमानता की जो दर है वो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से भी बदतर है। इस देश की 1% आबादी, और अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा जो लास्ट वाला ग्राफ है, वो 1% आबादी का इस देश की वेल्थ, 40% वेल्थ पर आधिपत्य है, और इस देश की आधी आबादी की वेल्थ भी आप क्लियरली देख रहे हैं जो पहला ग्राफ है। इतना अंतर है, इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है। इस देश का अमीर और अमीर हो रहा है, इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है। क्या बजट इस खाई को पाटने के लिए कुछ करेगा? अगली मार, और ये मार आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे काम करते हो या ना करते हो, इसका दंश हम सब झेल रहे हैं, और वो है महंगाई। और मैंने बार बार इस मंच से कहा है, महंगाई के ग्राफ पे जाइए, मैंने बार बार इस मंच से कहा है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आपको आंकड़ों में उलझाया जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन इस सरकार की नाक के नीचे लगातार 9% के ऊपर बना हुआ है। लास्ट रीडिंग जून की 9.5%, 10% के आसपास फूड इन्फ्लेशन है। सब्जियों के दाम में करीब करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। अमीर को शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन गरीब की थाली से आपने सब्जी भी गायब करने का काम किया है। और महंगाई हर तरफ है, महंगाई ट्रांसपोर्ट में है, कपड़ा महंगा है उस पर जीएसटी है, स्कूल की फीस दुगनी हो गई है, इस तरह की महंगाई है। तो महंगाई से लोगों की कमर तोड़ने का काम किया, क्या यह बजट महंगाई को एड्रेस करेगा? उसके बाद उपभोग, कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी का 2/3, 60% हिस्सा है। जो चीजें आप खरीदते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या अन्य वस्तुएं हो, साबुन, तेल, कंघी, चप्पल इत्यादि, FMCG जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, शैंपू, मंजन, तेल इत्यादि, इसके दाम कम करने के बाद भी इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और डेटा दिखाता है कि अप्रैल और मई में FMCG की सेल आधी हो गई है, जून में भी यही हाल रहा। सरकार से बात करो तो सरकार के प्रवक्ता टीवी पर आकर कहते हैं कारें बिक रही हैं, 60,000 करोड़ की कार, मोबाइल, SUV बिना बिके पड़ी हुई है, इतनी इन्वेंटरी है। 60,000 करोड़ की, अनप्रीसिडेंटेड, हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में इतनी कभी नहीं थी। तो आपके कार खरीदने वाले भी कार नहीं खरीद पा रहे, ये महंगाई का आलम है। और ये कंजम्पशन है, ये इस देश का कंजम्पशन है जो पूरी तरह डेंट हो चुका है। और ये डेटा मेरा अपना नहीं है, ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का डेटा है। 60,000 करोड़ रुपए क्या इन्वेंटरी बिना बिके पड़ी हुई है। अगली बात, और मुझे लगता है इस सबसे हम कहीं ना कहीं, ना भी कहें, इज्जत बचाने के लिए झेल रहे हैं, और वो है हम सब पर बढ़ता हुआ कर्ज और घटती हुई बचत।
प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। असलियत यह है कि हिंदुस्तान में एक सेविंग का कल्चर है, बचपन से सिखाया जाता है 10 रुपए कमाओ तो 2 तो बचाओ, और यह कल्चर एक है और इस कल्चर ने हमारी इकोनॉमी को बड़ा सुदृढ़ रखा है। लेकिन इतना दंश महंगाई का, बेरोजगारी का, कम आय का हम झेल रहे हैं कि आज घरेलू ऋण जो 25% जीडीपी से कभी क्रॉस नहीं किया वो 41% के पास है। घरेलू ऋण 41%, 41% ऑफ जीडीपी है, और सेविंग घटकर 6% से कम ऑफ जीडीपी पर आ गई है। ये 50 साल में सबसे कम आंकड़ा आया था। और टैक्स की मार तो बेशुमार है। एक लॉबी आती है जब बजट आने लगता है, हमारा इनकम टैक्स कम कर दीजिए। टैक्स हर व्यक्ति देता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति इस देश का टैक्स देता है। और असलियत यह है कि इस देश का गरीब हमसे और आपसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। इस देश के आधी आबादी जो सबसे गरीब है वो जीएसटी का 64%, जो कुल जीएसटी आ रहा है उसका 64% वो लोग दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की वसूली तो आपको पता ही है, 5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उन 5 बड़ी कंपनी ने $10.5 बिलियन, करीब 900 अरब रुपए की बचत की सस्ता रूसी तेल लाकर। लेकिन क्या आपका डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ? यह है, और इसका फलसफा है कि आज आप पर ऋण कहीं ज्यादा है और आपकी बचत खोखली हो रही है। लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी खर्चने को मजबूर हैं। उसके बाद एक जरूरी बात करते हैं और वो है कृषि की। इस देश की अधिकांश आबादी खेतों में काम करती है। जो शहर नौकरी करने आ गई थी उनको मोदी जी ने मजबूर कर दोबारा खेतों में भेज दिया काम करने के लिए। यह असलियत है। पीपल एनरोल्ड विद एग्रीकल्चर हैव गॉन अप मैनीफोल्ड। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि की जो वृद्धि थी वो 1.4% थी। बीजेपी के लोग आकर आपसे कहेंगे 8.2% ग्रोथ। उस 8.2% ग्रोथ में कंजम्पशन की ग्रोथ 4% और एग्रीकल्चर की ग्रोथ महज 1.4%। इसमें हमारे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। ये पिछले वित्तीय वर्ष में 4.7% थी, वहां से लुढ़क के 1.4% आई, जैसा कि ये ग्राफ आपको दिखा रहा है। तो क्या सरकार ज्यादा खर्चा करती है? क्या सरकार ज्यादा काम करने लगती है? अब देखिए दूसरा ग्राफ, और यह ग्राफ मोदी सरकार की असलियत, उनकी बदनीयत बयां करता है। कृषि का एक बजट होता है और एक टोटल बजट होता है। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि का बजट 2.78 था, जो लास्ट वाला ग्राफ है। उसके पहले वाले साल में वो 3.36% था और उसके पहले वाले साल में वो 3.7% था। तो इतने बड़े बजट का जो 3.7% होता था कृषि का बजट, वो अब घट के 2.7%, 1% कृषि का बजट घटा दिया गया। वो कृषि जिसमें हमारे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, वो कृषि जिसकी बढ़ोतरी से इस देश की बढ़ोतरी होगी, उसके बजट को लगातार घटाने का काम मोदी सरकार ने किया है। 3 साल का आंकड़ा आपके सामने है, 3.7% से घटाकर 2.7% कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो गुलाबी अखबार आपसे बताते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ। आपसे कोई कहेगा मेरी कंपनी में पैसा लगा दीजिए, तो आप कंपनी के क्रेडेंशियल्स देखिएगा, कैसे लोग हैं, कैसा धंधा है, आगे चल के कैसे वो बढ़ सकता है, इत्यादि इत्यादि। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं, उनसे बड़ा ढोंग और उनसे बड़ा ढोल इंडस्ट्री वाले पीटते हैं, लेकिन असलियत यह है कि दे आर नॉट विलिंग टू पुट मनी वेयर देयर माउथ इज। स्लगिश इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से कुंद है, इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से मंदा है, सुस्त है। और अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो एक मानक होता है इन्वेस्टमेंट का, देखा जाए तो यूपीए के टाइम पर यह जीडीपी का 30% होता था, आज 20-25% के बीच में अटका हुआ है। तो ये सब लोग जो मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं टीवी पर आकर, इंडियन इंडस्ट्री वाले, वाजी वाजी क्या बढ़िया कमाल कर दिया, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रेड से तंग आ चुके हैं।
क्योंकि वो ये जानते हैं कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए, उपभोग बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और कोई भी पूंजीपति इन्वेस्ट तब करता है जब उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। अगर देश खरीद ही नहीं रहा है चीजें तो लोग बनाएंगे क्यों? और जितनी चीजें कम बनेंगी उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा, उतनी नौकरियां कम बनेंगी। ये कुचक्र है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जब इन्वेस्टमेंट की बात करो तो बीजेपी वाले बड़ा सीना ठोक कर बोलते हैं रिकॉर्ड एफडीआई आ रहा है। उसकी भी असलियत देख लीजिए, ये जो रिकॉर्ड एफडीआई है ये वित्तीय वर्ष 2021 में करीब करीब 60 बिलियन डॉलर था। ये पिछले वर्ष 5 साल में घटकर 44 बिलियन डॉलर रह गया है। तो यह भी फर्जीवाड़ा, और इसका सच यह है ना इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है ना ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपकी बात मानने को तैयार हैं। जो 60 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले आया था, 5 साल बाद वो 44 बिलियन डॉलर रह गया है। और असलियत यह है कि बहुत सारी ऐसी वैश्विक कंपनियां हैं जिन्होंने चीन से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया और वो नए मार्केट खोज रहे थे, और वो नया मार्केट हम थे। हमसे बेहतर कौन हो सकता था? हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था, हमारे पास एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ कानून की एक व्यवस्था मानी जाती है, हमारे यहाँ जुडिशियल प्रोसेसेस है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि चाइना से निकला इन्वेस्टमेंट वियतनाम गया, इंडोनेशिया गया, बांग्लादेश गया, वो हिंदुस्तान नहीं आया। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी, हम एक्सपोर्ट हब नहीं बन पाए क्योंकि सरकार की नीजर्क रिएक्शन से, इनके उन्माद फैलाने से, इनके वैमनस्य फैलाने से, इनके नफरत फैलाने से, इनकी निरंकुश शासन और पुलिस से इन्वेस्टर्स ने अपना मुंह मोड़ लिया है। 5 साल में 60 बिलियन डॉलर की एफडीआई घटकर 44 बिलियन डॉलर हो गई है, और जो एफडीआई चीन से आ सकती थी वो भी नहीं आ रही है। लेकिन असलियत तो अभी बाकी है, और असलियत आपको दिखेगी व्यापार के असंतुलित होने में, ट्रेड इंबैलेंस। इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, हमारा देशों के साथ ट्रेड होता है, अमेरिका के साथ है, चीन के साथ है, रशिया के साथ है, हमारे जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड इंबैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि हम उनसे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं, उनको निर्यात कम कर रहे हैं। हम उनसे सामान खरीद ज्यादा रहे, उनको बेच कम रहे, इसलिए ट्रेड डेफिसिट है। हम उनकी इकोनॉमी चला रहे हैं लेकिन वो हमारा कैपिटल ड्रेन कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मोदी जी का परम प्रगाढ़ मित्र चीन है। वो मोदी जी जो कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है, उन्होंने चीन को हमारा नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तो चीन जो लद्दाख में धृष्टता करता है उसकी सेना को पैसा हम दे रहे हैं। चीन के साथ आंख में धूल झोंकने के लिए कुछ ऐप बैन कर दिए गए, टिकटॉक वगैरह, और चीन को लगातार अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चीन के साथ हमारा ट्रेड करीब करीब 118 बिलियन डॉलर है, जिसमें से कि डेफिसिट 80 बिलियन डॉलर का है। हम उनसे आयात ज्यादा करते हैं, उनको निर्यात बहुत मामूली संख्या में कर पा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं रुपए की। आपको याद है ना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है। 58 पर रुपया दिया गया था 2014 में, आज रुपया 84 के पार है। और मुझे कभी कभी यह शंका होती है कि नरेंद्र मोदी रुपए से भी शतक लगवाना चाहते हैं जैसे पेट्रोल से लगवाया। हो सकता है किसी ने उनको समझा दिया हो कि एक सेंचुरी यहां भी लगवा दीजिए, महामानव है, नॉन बायोलॉजिकल है, समझ में आ गया होगा। 84 के पास रुपया है, 58 पर दिया गया था। सबसे पहले तो यह पूछना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री की साख कितनी गिर गई। अब वो दो तीन चीजें जिससे हमारा, ये कुछ इकोनॉमिक चीजें हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है इससे हमारा क्या लेना देना, इन सब चीजों से हमारा लेना देना है। इन्हीं के चलते महंगाई बढ़ती है, इन्हीं के चलते आर्थिक असमानता बढ़ती है, इन्हीं के चलते निवेश कम होता है, इन्हीं के चलते उपभोग कम होता है। लेकिन अब कुछ मूल वो चीजें
जो कि आप सुनकर चौंक जाएंगे और जिस पर लगातार झूठ बोला जाता है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खर्च अपनी किन चीजों पे करना चाहिए? मेरा मानना है शिक्षा पर। हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं, हमारी 60% आबादी 35 वर्ष से आयु में कम है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थकते नहीं है, लेकिन हम अपने एजुकेशन बजट को 7% इस साल काट देते हैं। हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो हायर एजुकेशन का बजट है, उसको 61% काट देते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। न पढ़ेगा इंडिया, न पूछेगा इंडिया। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग वही तो सवाल करेंगे, ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग तो उन्हीं को तो समझ में आएगा कि कैसे ये सरकार हमारा मूर्ख बना रही है। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पढ़ाओ ही मत लोगों को। 7% बजट एजुकेशन का इससे पहले किसी सरकार ने नहीं काटा है। और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बजट, एजुकेशन बजट को निरंतर घटाने का काम पिछले 10 साल में किया है। यूपीए की सरकार करीब करीब 0.6% आवंटित करती थी, इन्होंने घटाकर 0.4% कर दिया है। कहां इसको 6% ले जाने की बात करते थे। स्वास्थ्य, ये ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, वो फोटो भी बहुत सारी चीजें दिखा रही है। अभी अस्पताल चले जाइए तो जीएसटी देना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए, दवाइयों पर भी जीएसटी है। लेकिन हेल्थ पर एक्सपेंडिचर लगातार कम हुआ है। पिछले 5 सालों में टोटल बजट का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर 2.4% से घटकर 1.9% हो गया है। 2.4% 5 साल पहले हम टोटल बजट का स्वास्थ्य पे खर्चा करते थे, अब 1.9 करते हैं। और आप सब जानते हैं कि 2023 में हमारे देश के 16 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा है। बच्चे के जन्म से उसके 1 साल की उम्र तक बच्चे को 9 से 10 टीके लगते हैं, डिप्थीरिया का, टेटनस का, चेचक का, हेपेटाइटिस का, पोलियो का। और इन्हीं के चलते हम पोलियो से मुक्त हो पाए, इन्हीं के चलते हम चेचक से मुक्त हो पाए। लेकिन इस सरकार ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। 16 लाख हमारे बच्चे ऐसे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में हर साल पैदा होते हैं, 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। तो हम क्यों ना ये भय और आशंका लेकर चले कि क्या पोलियो और चेचक जैसी बीमारी दोबारा से लौट सकती है, इसका जिम्मेदार कौन है? असलियत यह है कि यूपीए की सरकार ने इस देश को पोलियो मुक्त किया, तमाम वैक्सीनेशन दिए, ढिंढोरा नहीं पीटा। यहां ढिंढोरा पीटने और एहसान लादने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन कोविड से सीखा क्या? नील बटा सन्नाटा। हेल्थ का बजट 2.4% से घटा के 1.9% किया और 16 लाख बच्चों को टीकों से रहित रखा। यह वो देश है जो वैश्विक भूख के सूचकांक में, द हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है 125 देशों में। हमारे यहां कुपोषण एक त्रासदी है। और लास्ट दो चीजों की बात करके आपके सवाल लूंगी। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, सेक्टर आफ्टर सेक्टर आफ्टर सेक्टर, दूरसंचार, एयरलाइन, सीमेंट, स्टील, एयरपोर्ट, टायर, हर जगह जो पहले 2-3 लोग हैं उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। और मार्केट शेयर कैप्चर करने का मतलब क्या होता है? मार्केट शेयर कैप्चर करने का मतलब होता है कि अगर एक आपके टेलीफोन के दाम और डेटा का बिल बढ़ाएगा तो दूसरा उसके तुरंत बाद बढ़ाएगा, तीसरा उसके बाद बढ़ाएगा। अभी बढ़ा है ना बिल आपका? क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज है। ये जो ओलिगार्क्स क्रिएट किए जा रहे हैं सेक्टर आफ्टर सेक्टर में, ये डेटा वो दिखाता है आपको। क्या बजट इन मोनोपोलीज को ब्रेक करेगा या हर बार की तरह मोनोपोली को और सुदृढ़ करेगा? और अंत में, क्योंकि रेलवे का तो बजट अब आता ही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ही उस पर बात करती हैं, ये बालासोर की पिक्चर है। 300 से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे, फिर जलपाईगुड़ी का हादसा हुआ, कल गोंडा में हादसा हुआ। हर बार मृतकों की एक सूची आती है, हम संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द कहते हैं और वो बात लगता है वहीं पर खत्म हो जाती है।
तो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए इस बजट में क्या होगा, आज देश ये जरूर पूछना चाहता है। आई विल वेरी वेरी ब्रीफली, एंड इफ यू कैन रीलोड द प्रेजेंटेशन प्लीज, आई विल वेरी ब्रीफली स्पीक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर्स, द इकोनॉमिक लैंडस्केप विच हैज बीन कंप्लीटली रुइंड, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस बिकॉज निर्मला सीतारमन, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, इज सून गोइंग टू प्रेजेंट हर सेवेंथ यूनियन बजट। And on your screens right now, note ban, GST, COVID resulted in a loss of 11.3 lakh crore to India's economy and extinguished 1.6 crore informal sector jobs. The reality also is, as far as joblessness is concerned, that 2.7 lakh central PSU jobs have been lost under Mr. Modi, and the number of people working on contract has gone up from merely 19% in 2013, the next slide please, to 43% in 2022, the last available official figures. If this is not the absolute disaster of our times, then what is? Joblessness, joblessness, joblessness has to be priority number one to be addressed in the budget. Is she going to do that? I have all my doubts about it. Inequality. India is seeing rising levels of inequality. Our inequality, our economic inequality today is at worst levels that it was under the British Raj. 1% of India's population, the last graph there tells you the story. 1% of India's population controls 40% of this country's wealth. High prices. Each time you speak about high prices, they will talk about growth. They don't even understand the real rate of growth. The reality is that food inflation in India has been consistently over the 9% mark. And the last reading is close to 10%, with vegetable prices at over 27% growth. How are the poor and middle class coping up? The reality is that the poor and the middle class have to pay more for fee. They have to pay more for clothes. They have to pay more for medicines. They have to pay more for transport. They have to pay more for food. And this is the economic reality of our times. High prices, high inflation has really broken the back of India's middle class and India's poor. Consumption. It forms nearly 60% of our GDP, which is 2/3 of our GDP. India is a consumption-led economy, and consumption has been totally muted. FMCG has seen price cuts, but sales haven't taken off. 60,000 crore worth of auto inventory is lying unsold. And if this doesn't give you a sense of muted consumption, then what will? The next slide, please. And that's the reality for all of us, I believe. High debt, low savings. We are forced to draw into the savings of our future because of unemployment, because of low wages, because of high prices. Our incomes haven't kept up, but our expenses have gone up. So India, which is traditionally a savings country, has seen savings plummet to a 50-year low, but have seen debt, household debt as a percentage of the GDP, rise to nearly 41%. The reality also is that we have never been as steeply taxed as we are today. 50%, the bottom 50% of this country pays 64% of GST collected. The reality also is that 5 big refiners in India made a profit of $10.5 billion on account of cheap Russian fuel. Did your petrol and diesel bill go down? Is the big question, to which the answer is a big no. Please go to agriculture. Our mainstay, something that most of our population is involved with. Agriculture has seen a growth last fiscal of 1.4%, which is a steep drop from 4.7%. So is the government going to start investing more in agriculture? Actually, far from it. The government has decided to cut the expense on agriculture. In the last 3 budgets, agriculture expenditure as a percentage of the total budget has gone down from 3.78% to 3.36% to 2.7%. In 3 years, agriculture has seen a steep cut of nearly 1 percentage point. This is where most of our people work. This is where people who are jobless in cities are going back and finding work.
Investment. Investment is an act of faith. There are many people who will praise Mr. Modi on TV cameras, but investment has been sluggish. The one barometer, the one yardstick of investment is gross fixed capital formation. It remained at over 30% levels in the 10 years of the UPA government. Today, it is in the range of 20 to 25% consistently. Why are people not investing? Because people don't believe in the arbitrary policies of Mr. Modi. People don't believe in knee-jerk reactions. People don't believe that law and order is proper. People believe there is lawlessness. And people are not willing to put money where their mouth is. A lot of Indians, high net worth individuals, are not just renunciating their citizenships. They are making big investments overseas, but not in India. So no corporate tax cut, no PLI is inviting investments here. The BJP is fashionably turns around and tells you that FDI has gone up. Actually, FDI is drying up. In a five-year period, FDI has fallen from $60 billion nearly to $44 billion. That's the reality of FDI. India could have become a huge export destination, a huge manufacturing destination, as global companies started withdrawing their investments from China. But money went to Vietnam, it went to Indonesia, it went to Bangladesh. It did not come to India. The bigger story, however, is in trade imbalance. And that's where the reality of the Make in India paper tiger is. For all the publicity blitzkrieg, the reality is that India's top 10 trading partners, we have a trade deficit with 9 of them. China, lo and behold, is our largest trading partner with $118 billion of bilateral trade, of which over $80 billion is trade deficit. So when Mr. Modi tells you, koi ghusa hua nahi hai, and bans TikTok, the reality is he's making China richer, he's giving China more money, he's giving China more trade, he's actually funding the Chinese army to do the incursions in Ladakh that they are doing. Let's talk about the Indian rupee, because someone very famously said that the value of the rupee and the Prime Minister's dignity are intrinsically linked. Mr. Modi inherited rupee at 58 to a dollar. It is at 84 to a dollar today. No amount of effort, no amount of money being thrown in by the RBI has been able to arrest the fall of the rupee. But we know what the finance minister will say. The finance minister will say, rupiya kamzor nahi hua hai, dollar mazboot hua hai. Two, three last things. Education. For a developing economy like India, for a young economy like India, we should be spending 4, 5, 6% of our total budget on agriculture. But guess what? For this financial year, education budget has been slashed by 7%. And the University Grants Commission that directly looks at higher education, that allocation has been slashed by 61%. Na padhega India, na puchhega India. Expenses on health. We must have learned a few lessons from COVID, but it certainly seems we have not. Because investment in health as a percentage of the total budget in the last 5 years has shrunk from 2.4% to 1.9%. And in the year 2023, India failed to vaccinate 16 lakh of our children. Zero dose children. Children are typically given 9 to 10 vaccines in the age group of being born to 1 year. They'd received zero dosage. So imagine the possibility of a polio or a smallpox that has been eradicated coming back, and it's squarely, the blame squarely lies on the Narendra Modi government. What they have, however, successfully done is created monopolies. Sector after sector, steel, cement, telecom, airlines, aviation, tires, one sector after the other has seen monopolies built. This budget, my apprehension is, will see more monopolies being built. And last but not the least, this is a picture from Balasore in Orissa last year. 300 lives lost. Another train accident in Jalpaiguri. We saw several lives lost there, upwards of 40. Another train accident in Gonda. We see several lives being lost there. But who's learning a lesson? And what is being done to make railways safer for our people? Will the finance minister
allocate more funds? Will those funds be used? Will those funds not be used to buy foot massages and crockery for Indian Railways and be used to protect our citizens? That's the economic landscape. ये आर्थिक पृष्ठभूमि है बजट के पहले. कुछ चीजें बड़ी भयावह लगती हैं, लेकिन सच कड़वा होता है, सच भयावह होता है, और सच को सुनने का मादा चाहिए. लेकिन सच सुनाने पे आपको पकौड़ा तलने की हिदायत, लहसुन प्याज ना खाने की बात, रुपया कमजोर नहीं डॉलर मजबूत हुआ है जैसे शब्द सुनाई देंगे. और मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार का आम जनता से, युवाओं से, महिलाओं से, गरीबों से, किसानों से, मध्यम वर्ग से कोई सरोकार ही नहीं है, और इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं. आपके सवालों का स्वागत है. पहले मैं सवाल सिर्फ और सिर्फ इन आर्थिक आंकड़ों पर लूंगी. देर आर नो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट इन दिस क्राउड. ये सब तो आपके मतलब की भी बातें हैं. धन्यवाद. तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बजट से? देखिए, उम्मीद की बात तो ऐसी है कि हम लोग नाउम्मीद हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी से. उनसे उम्मीद करना बेमानी है. उनसे उम्मीद लगाना आपकी उम्मीदों और आशाओं को धराशायी करना है. लेकिन ये कुछ बातें हैं, कुछ सच है जो रखने जरूरी थे. और ये सच है कि बजट के पहले इस देश की आर्थिक स्थिति बदहाल है. बजट के पहले 48% परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. बजट के पहले 56% ही ये देश केवल 3 बार खाना खा पा रहा है. बजट के पहले बेरोजगारी और महंगाई सिर चढ़कर लोगों का जीना दूभर कर रही है. बजट के पहले घरेलू ऋण 40% हो गया है, बचत लगातार गिर रही है. बजट के पहले ही भयावह आर्थिक असमानता है, और बजट के पहले ही उद्योग जो है वो मंद है, निवेश कुंद है, उपभोग ठप है, और असंतुलित व्यापार हम दुनिया से कर रहे हैं. तो मेरा अपना मानना है, अगर स्तंभ आप मुझसे पूछिए इस बजट के क्या होने चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना और आर्थिक असमानता की इस खाई को पाटना, अगर ये दो चीजें बजट नहीं करता है तो ये बजट हर मोर्चे पर अपने पहले जैसे बजटों की तरह विफल रहेगा. इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी बेरोजगारी और आर्थिक असमानता है, और अगर इनके लिए बजट कुछ करने को तैयार नहीं है तो बजट का स्वरूप क्या है, इसी पर सवाल उठ जाएगा. चालीस प्रतिशत ऋण लेकर बड़े आत्मनिर्भर हो गया देश. ये घरेलू ऋण की, और ये मेरा डेटा एक भी नहीं है, ये सब सरकारी डेटे हैं. ये आंकड़े सुप्रिया श्रीनेत ने या कांग्रेस पार्टी ने घर पे बैठ के नहीं बनाए, ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, सारे रिसर्च आंकड़े हैं, सारे वो आंकड़े जो रिसर्च एजेंसीज कोट करती हैं हमारी रेटिंग्स के लिए, हमारे ग्रोथ एस्टिमेट्स के लिए, इत्यादि इत्यादि. तो जो जिसको आप आत्मनिर्भर क्या बना रहे हैं? आत्मनिर्भर बनाने का ज्ञान दे तो रहे उनके मंत्री मध्य प्रदेश में, कह तो रहे डिग्री विग्री छोड़ो, पंक्चर की दुकान बनाओ, उसी से जीवन यापन होगा, यह आत्मनिर्भर का ज्ञान है. अपने बच्चों को बोस्टन और न्यूयॉर्क में पढ़ाइएगा, और देश के बच्चों को कहिएगा पंक्चर की दुकान खोल लो, देश के बच्चों को कहिएगा पकौड़े तल लो, देश के लोगों को कहिएगा मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती, अब शायद टमाटर भी नहीं खाती होंगी, 140 रुपए किलो मिल रहा है, सुन रहे हैं. तो मेरा अपना मानना है ये सब स्लोगनबाजी है. आत्मनिर्भर बन गया इंडिया, क्या आत्मनिर्भर बन गए हम? 40% लोग जो है, 40% GDP का ऋण घरेलू है, कहां से आत्मनिर्भर बने हम? कहां नौकरियां हैं? मोदी जी ने एक दिन आके बोल दिया 8 करोड़ रोजगार बने. अरे भाई, छुपाकर बनाए थे क्या? पता नहीं चले कहां किसको दे दिए गए. 50-50 हजार जो रोजगार थे वो तो खड़े होकर खुद उसके प्रशस्ति पत्र बांट रहे थे, और ये 8 करोड़ बता दिए, पता ही नहीं चले लोगों को. जी, इस पे और कोई सवाल? जी, मेरा सवाल कांवड़ यात्रा को लेकर है. जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद चल रहा है, जो नाम लिखने पड़ रहे हैं, सबको कहा जा रहा है, खाली उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड सरकार ने भी ये निर्देश जारी कर दिया है कि उत्तराखंड में जहां हरिद्वार तक यात्रा जाती है वहां भी दुकानदारों को अपने दुकान के आगे अपने नाम लिखने पड़ेंगे, किस धर्म से हैं, किस, और पूरा नाम लिखना होगा. इसको लेकर आप क्या कहने? और नाम में अगर गुड्डू बबलू, मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जी CMO ने आज ये किया है कि पूरे स्टेट में ये लागू होगी. उत्तर प्रदेश के CMO ने, पहले एक शहर में था सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए. जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है
ये आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कांवड़िया यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते, जल लाते, अर्पित करते, शिव भक्त हैं ये, ना हिंदू धर्म को समझते हैं ना शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा, खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा, मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग, मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हम क्या समाज बनाने जा रहे हैं? भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं, हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए, इसी में उलझे रहिए। कौन तख्ती लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है ये मत पूछिए कि मेरे बच्चों का एजुकेशन बजट आपकी हिम्मत कैसे हुई 7% काटने की, इसी में उलझे रहिए कौन तख्ती लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये थोड़ी मेरे लिए निजी बात है, ये जाहिल वही लोग हैं जो अयोध्या हारने पर हिंदुओं का बहिष्कार करने की वकालत कर रहे थे, जो कहते थे अयोध्या जाओ तो अपना पानी लेके जाओ, अपना खाना लेके जाओ, अपनी पूजा की सामग्री लेके जाओ, ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी को दूसरा कोई काम नहीं आता है, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया है। जी की जा रही है उनके राज्यों के लिए, उसे लेकर आप क्या? बीजेपी के घटक दल है जेडीयू और टीडीपी, और अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, मोदी जी कितना उनको खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। एक अकेला तो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है बेचारे को, अब वो एक अकेला तो रहे नहीं, अब तो हाँ जी हाँ जी, जी हाँ जी, हुजूर कैसे हैं, सुबह शाम गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट करनी पड़ रही है, तो बिल्कुल पैसा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो ये घटक दल आंखें तरे रहेंगे। ऐसे थोड़ी जेडीयू ने, सॉरी जेडीयू मुझे बोलना चाहिए था, आरएलडी और जेडीयू ने इनसे मांग की है कि ये तख्ती वक्ती के नाम हटाए जाएं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं वो लोग। जी नहीं, आरएसएस और बीजेपी की बैठक में मुझे कुछ कहने का मतलब ही नहीं है, आरएसएस खुद ही बोल रहा है, आप सब लोग सुन रहे हैं, आरएसएस कह रहा है पहले देवता फिर भगवान फिर अलौकिक फिर विश्व रूप धारण करने वाले लोगों की बढ़ती जा रही है, ये किसके लिए कह रहे हैं ये आप जान ही रहे हैं। आरएसएस के खिलाफ बीजेपी के तमाम, मोदी जी के तमाम भक्त आजकल भगवान भागवत के खिलाफ लिख रहे हैं, मैंने बोला ना ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे तो मैं क्यों बोलूंगी इस पे? उनकी बढ़ती हुई दूरियां, उनका द्वेष सबको दिख रहा है। कुछ लोग पहले उसी पे बोला मैंने अभी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये भगवान वाली बात और आरएसएस के प्रमुख की तरफ से ऐसे बयान हमारे हैं, आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एक मिसाइल उन्होंने दागा है, अब जिसके लिए दागा है कल उन्होंने अपनी लाइट की, गाड़ी की बत्ती गुल कर दी, नहीं तो आपको हमेशा किसी भी अंधेरी रात में मोदी जी की गाड़ी जा रही है ऊपर एलईडी जल रहा है दमकता चमकता चेहरा, क्योंकि लाइट सिर्फ उन्हीं के ऊपर रहती थी, कल बत्ती गुल क्या हो गया भैया? क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा है कि पहले वो देवता फिर अलौकिक फिर भगवान फिर विश्वरूप, अब ऐसे शब्द हम तो कह नहीं रहे, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल को सुना रहा है, उन्हीं के बीच में खींचतान मची है, हम लोग तो दूर से देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा में है, कभी कभी ताली बजाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने भी जो वो मुस्लिमों का जो कानून था बहुत पुराना उसको रिपील कर दिया। हेमंत बिस्व शर्मा थोड़ी अपनी सरकार चलाए, रोजगार बनाए, 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी असम में है।
बेसिकली इसमें मैम कुछ प्रोविजंस थे जो अलाउ करते थे चाइल्ड मैरिज को, और उसी को लेकर अब कहा जा रहा है असम सरकार की तरफ से कि वो इसको रिपील करेंगे। हालांकि इस पर विरोध भी हो रहा है, कांग्रेस का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड हमारे असम के प्रमुख बताएंगे आपको। बस